अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दें और साथ ही बेल का आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी सारी वीडियोस आपको। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, आई एम सना वान एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो में जो प्रोडक्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है ये जे डॉट की प्रोडक्ट, जो कि है मिनरल फाउंडेशन, नोट फाउंडेशन है जे डॉट का। इसका रिव्यू मैं आपको दूंगी, इसके प्राइस क्या है, इसको मैंने कहाँ से परचेज किया, कितने का परचेज किया है, और इसको अप्लाई करके भी मैं दिखाऊंगी। तो वीडियो को स्टार्ट कर, तो गाइज ये है जे डॉट का फाउंडेशन, जिसके जे डॉट के नाम इसका है नोट फाउंडेशन, मिनरल फाउंडेशन है। और इससे पहले मैं जे डॉट की प्रोडक्ट शेयर कर चुकी हूँ, यस, लिपस्टिक भी मैंने शेयर की है और भी मैंने पेंसिल वगैरह शेयर किए हैं। दिस टाइम आई एम गोइंग टू शेयर दिस फाउंडेशन। मैंने आपको अगर लिपस्टिक शेयर की हो तो मैंने आपको उसमें बताया था कि मैं जे डॉट की काफ़ी सारी लाइक प्रोडक्ट्स मैंने परचेज की थी, तो मैंने उसमें से ये भी परचेज किया था। तो मैंने आपके साथ रिव्यू नहीं दिया था, मैंने एक साथ परचेज किया था। मैंने इसको परचेज किया था सितंबर में, यस सितंबर में मैंने इसको परचेज किया था। मैं कहाँ पे गई थी, मैं गई थी ओशन मॉल गई थी, वहाँ से मैंने इसको परचेज किया था। इसकी लाइक डिस्काउंट चल रहा था तो बहुत अच्छा डिस्काउंट था, मैंने उसमें इसको परचेज किया था। इस तरीके की कुछ पैकेजिंग में अवेलेबल है, नोट मिनरल जे डॉट नेचुरल ग्लो स्किन रिलैक्सेशन फाउंडेशन, जिसमें SPF 15 ऐड किया गया है, और ये फाउंडेशन पैराबिन फ्री है, बिल्कुल पैराबिन फ्री फाउंडेशन है। मैं और इसको ओपन करते ही, अगर इसको मैं यहाँ से ओपन करके दिखाऊँ तो इसकी एक ट्यूब मिलेगी, इस तरीके की ट्यूब में अवेलेबल है। और इसमें जिस तरह कहा गया SPF 15 इसमें ऐड किया गया, इसकी टोटल क्वान्टिटी है 35 ml क्वान्टिटी है। और यहाँ पर इसका एक कैप दिया गया है, कैप को ओपन करते ही, नहीं, यस, कैप को ओपन करते ही इस तरीके से, अगर कैप हम ओपन करते हैं और कैप ओपन करते ही इस तरीके से ट्यूब फॉर्म में, आई वॉज थिंकिंग कि ये पम्प फॉर्म में होगा, बट इस तरीके का ये ट्यूब फॉर्म में फाउंडेशन है। और इस तरीके का ये फाउंडेशन है, बिल्कुल लाइट स्किन सी, इसकी लाइक क्रीमी बिस्किटी सा कलर है इस फाउंडेशन का, बहुत ही क्यूट कलर है, बहुत प्यारा कलर है, सही है। तो शाइनी से इसका कैप दिया गया, पैकेजिंग बहुत ही अच्छी है। अगर मैं पैकेजिंग की बात करूँ तो ये ट्रैवलिंग पैकेजिंग है, आप इसको कहीं पे भी जाके लाइक लेके जा सकते हो। अब फाउंडेशन शेड की बात करती हूँ, मैंने फाउंडेशन शेड जो परचेज़ किया है वो है 401 फाउंडेशन शेड। इसके प्राइस की बात करती हूँ, प्राइस मुझे वैसे ऐसे याद नहीं होते, बट मैंने इसको यहाँ पे इस तरीके से लिख लिया था प्राइस को। तो प्राइस जो है इसके हैं 1965 का ये फाउंडेशन है, और मैंने इसको परचेज़ किया है 1488 का, मैंने इसको डिस्काउंट में परचेज़ किया है, ठीक है। इस तरीके का फाउंडेशन है, इसकी पैकेजिंग के ऊपर इसकी एक्सपायरी डेट भी लिखी गई है, यहाँ पे 2022 तक इसको आप यूज़ कर सकते हो। इसमें और भी इसके जो है शेड्स अवेलेबल हैं, मैंने शेड देख के लिया है, आप भी अपनी स्किन के हिसाब से शेड देख के लोगे। तो इस फाउंडेशन को मैं आगे वीडियो में भी दिखाऊंगी, आप एंड में वीडियो देख लेना, मैंने इसमें वीडियो भी ऐड कर दूंगी। और इसको मैं आपको बता दूं, इसको मैंने ट्राई किया है वीडियो में, जब अप्लाई किया तो इसका तरीका क्या है कि आप इसको कैजुअल के तौर पर, जिस तरह के मैंने कहा मैंने इसको सितंबर में परचेज़ किया था एंड बीच में मैंने इसको यूज़ कर लिया था, विंटर्स में मैंने इसको यूज़ नहीं किया, मेरी स्किन सुपर ड्राई है, मैंने इसी सितंबर में ही यूज़ कर लिया था। तो इसका रिजल्ट सितंबर में अगर मैं बात करूँ तो इतनी मतलब कोल्ड नहीं था, इतनी ड्राइनेस नहीं थी, तो स्किन काफ़ी अच्छी थी। तो उस वक्त ये मैट सा फील हो रहा था, मिनरल फाउंडेशन बिल्कुल एब्जॉर्ब हो गया था, बिल्कुल नेचुरल टोन की फीलिंग दे रहा था, बहुत ही अमेजिंग फाउंडेशन है, इजी टू ब्लेंड है, बहुत ही लाइट वेट फाउंडेशन है ये। इसको मैंने अप्लाई किया, इसको कैजुअल मेकअप के लिए अगर आपको यूज़ करना हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी, कैजुअल मेकअप के लिए आप ये फाउंडेशन परचेज कर सकते हैं, और बिल्कुल लाइट फील होगा, ऑफिस वर्कर्स और यूनिवर्सिटीज गर्ल और टीचर्स वगैरह उसको ये परचेज करके आप इसको ये अप्लाई कर सकते हो। कैजुअल के लिए लाइट फील है, कोई हैवी नहीं लगेगा कि फेस पे आपने बहुत ज़्यादा थोपा हुआ है, बिल्कुल लाइट सी कवरेज है और लाइट सा फील होगा और नेचुरल, बिल्कुल नेचुरल टोन देगा, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, आप वीडियो भी देख लेना, एंड में वीडियो डाल रही हूँ, क्लिप डाल दूंगी। तो ये था इस जे डॉट फाउंडेशन का रिव्यू, आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखना और दुआओं में याद रखना। तो गाइस, मैंने ये फाउंडेशन लिया है और इसकी अमाउंट मैं फेस पे अप्लाई करके दिखाऊंगी, बहुत ही लाइट वेटेड फाउंडेशन है, बिल्कुल नेचुरल सा फील होगा, ज्यादा ओवर फील नहीं होगा, कैजुअल के लिए ये फाउंडेशन बेस्ट है, और समर्स में ये फाउंडेशन ऑयली और ड्राई स्किन वालों के लिए, दोनों के लिए बेस्ट है। इस तरीके से इसकी एक पैकेजिंग में ये ओपन होगा, यहाँ से हमें इसकी प्रोडक्ट मिलेगी, और थोड़ी सी अमाउंट लेके इसको मैं फेस पे अप्लाई करूँगी। आप इसकी जो है पूरी कवरेज वगैरह देख लेना, ब्लेंडर, ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से मैं अप्लाई कर रही हूँ, और ब्लेंडर से भी इसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे हैं, और ब्रश से भी आप अप्लाई कर सकते हो, बट बहुत ही लाइट है और
जल्दी से ब्लेंड कर लेना ताकि अच्छे सा एक बिल्कुल इवन टोन जो है वो लेयर अप्लाई होगी। बिल्कुल भी कोई ये नहीं लगेगा कि आपने कोई फाउंडेशन अप्लाई किया, बिल्कुल नेचुरल सी फीलिंग आएगी। बस ये आपने ध्यान रखना है कि शेड जो है ना वो अपने वो शेड चूज़ करना है जो आपके स्किन पे लाइक आपका जो कलर टोन है उसके साथ मैच करे। तो बहुत ही अमेजिंग है जी डॉट का फाउंडेशन है, कैजुअल के लिए मेकअप के लिए अमेजिंग है और समर्स के लिए अमेजिंग है इसका प्लस पॉइंट। तो ये था इस जी डॉट फाउंडेशन का रिव्यू। और इस तरीके से अप्लाई करने के बाद भी एक और वीडियो में मैंने अप्लाई किया हुआ है, आप मेरे चैनल पर उसको भी चेक कर लेना और आप इसकी कवरेज भी देख लें।